दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब शराब घोटाला केस में जेल हुई तब माना गया कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने जेल में रहकर सरकार चलाई और इस्तीफे का ऐलान नहीं किया। अब जब हाल ही में वो जमानत पर बाहर आए तो ये कहा गया कि अब अगला विधानसभा चुनाव केजरीवाल के नेतृत्व में आप लड़ेगी, यानी कि उनके सीएम रहते अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब केजरीवाल ने अपने एक ऐलान से सभी को हैरान कर दिया है, सभी को चौंका दिया है। वो ऐलान ये है कि केजरीवाल ने कह दिया है कि अगले 2 दिन के भीतर वो इस्तीफा दे देंगे, यानी को दिल्ली के सीएम नहीं रहेंगे, अब दिल्ली का सीएम कोई और होगा, यानी कि आपका कोई दूसरा नेता दिल्ली की कमान संभालेगा। लेकिन इन सब के बीच हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएम केजरीवाल ने इस तरह का ऐलान विधानसभा चुनाव से पहले क्यों किया है। जिन केजरीवाल ने जेल जाने पर भी दिल्ली की कुर्सी नहीं छोड़ी, अब वो जेल से बाहर आने के बाद ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हैं? इससे आम आदमी पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? माना जा रहा है कि उनके इस रणनीतिक फैसले से केजरीवाल और आप दोनों को बहुत मदद मिल सकती है। केजरीवाल का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही खींचतान और तनाव के बीच आया है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत शर्तों के बाद लगातार उनके नेतृत्व की आलोचना करती रही है। इस इस्तीफे से केजरीवाल खुद को किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता के बजाय राजनीतिक साजिश के शिकार नेता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उनके बयान भी इसी ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की है, जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सारी साजिशों का मुकाबला करने की ताकत रखेंगे, बीजेपी के आगे ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। इस तरह के बयान लगातार केजरीवाल दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बिजली फ्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेईमान है, कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं लेकिन ये इलाज नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हमारे खिलाफ ईडी छोड़ दी है, सीबीआई छोड़ दी है, लेकिन हम ईमानदार हैं। ये मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सुबह शाम गाली देते हैं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी मैटर नहीं करती है, मेरे लिए आप लोग मायने हैं। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया लेकिन इज्जत कमाई है। यह रणनीति उन मतदाताओं को एकजुट करने में मदद कर सकती है जो बीजेपी को केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक कॉन्सपिरेसी का दोषी मानते हैं। इससे आपका जमीनी आधार भी मजबूत होगा। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, वे खुद को हरियाणा का भूमि पुत्र कहते हैं। इसके अलावा राज्य में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सका है, तो उनके इस्तीफे से आगामी चुनाव में आपको सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। इसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से वहां 10 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में गई थी। अच्छा खासा माहौल भी इन दोनों पार्टियों के पक्ष में बना हुआ था, लेकिन इस मोमेंटम में वोट बैंक का ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल सका था। तो इस नजरिए से केजरीवाल का इस्तीफा हरियाणा चुनाव में आपको कई सीटों पर सिंपैथी वोटिंग का फायदा दिला सकता है। अब जो चौथा कारण है वो ये कि उनके इस्तीफे से सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं। इससे एक मजबूत बीजेपी विरोधी गठबंधन बन सकता है। इस गठबंधन की धुरी केजरीवाल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ता हुआ दिखेगा। हरियाणा जहां सीधे तौर पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां तो इस कदम से फायदा मिलेगा ही, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में भी वे इंडिया अलायंस के स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई देंगे, वहां भी वो अपनी शहादत को भुनाते दिखाई देंगे। पिछले कुछ महीनों से आप लगातार चर्चा में बनी हुई है, भले ही उसका आधार 2 राज्यों में था, लेकिन अब नेशनल स्तर पर आपकी चर्चा होती है। केजरीवाल एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गए हैं। केजरीवाल के इस्तीफे से आपके बारे में पूरे देश में चर्चा है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पहले ही पार्टी को बढ़ावा दिया है और इसे राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इस्तीफे से ये बात विस्तार पाएगी। केजरीवाल खुलकर मतदाताओं के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे जिससे पार्टी का विस्तार होगा। महाराष्ट्र में भी यदि वे प्रचार के लिए जाएंगे
तो इस प्रयास में वे राज्य में आम आदमी पार्टी के लिए भी संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं, यानी इंडिया अलायंस को मजबूती देने के साथ ही वे भी अपनी पार्टी के विस्तार की गुंजाइश भी बना सकते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिसके चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।